ओम शांति। सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोगों को लेकर पुनः प्रस्तुत हैं हम आपके समक्ष, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इससे आपके जीवन में नया विश्वास आ रहा होगा, आपको ये समझ में आ रहा होगा अपने सभी विघ्नों को, सभी समस्याओं को समाप्त करने की शक्ति हमारे पास ही है। सबसे पहले मैं आज ले रहा हूं, यदि आपके जीवन में कोई विघ्न है तो कई बार ऐसा होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा विघ्न लगातार आते ही रहते हैं और मनुष्य के आत्मविश्वास को भी डगमगा देते हैं, उसकी उमंग उत्साह को भी नष्ट करके उसे निराशा के अंधकार में ले जाते हैं। लेकिन हमें घबराना नहीं है, परमात्म शक्तियां हमारे पास हैं। तो आप क्या करेंगे, वही सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग, बहुत जल्दी उठकर पहले 5-7 मिनट में ही संकल्प करेंगे, भगवान मेरे साथ है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 7 बार इस संकल्प को रिपीट करेंगे, जरूरत पड़े तो 21 बार लिख लें दोनों संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। संकल्प कर दे, आज से मेरे सभी विघ्न नष्ट होने लगेंगे और 7 दिन के अंदर मेरा जीवन निर्विघ्न हो जाएगा। मैं आपके समक्ष एक बहुत सुंदर प्रयोग रख रहा हूँ, जो स्वयं परम शिक्षक परम पिता ने बहुत वर्ष पहले हम सबको सिखाया था। मुझे याद है 1977 और 78 के महावाक्यों में ये बात सिखाई गई थी, शब्द थे रूहों से रूरिहान करो। तो हम सभी इसका बहुत सुंदर प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी भी हैं और हमें बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं, हमें संसार की आत्माओं को संदेश भी देना है। हम टीवी और बहुत सारे माध्यमों से ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब मन की शक्ति से करेंगे। तो सवेरे बहुत अच्छा योग करें, अपने को चार्ज कर लें और संकल्प करें, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं मैसेंजर हूँ, फरिश्ता हूँ, और चारों ओर देखें करोड़ों आत्माएं, चमकती हुई आत्माएं अपने अपने शरीरों में, सब आत्माएं हैं, और अब हमें उनसे बातें करनी हैं। हम उनसे वो सब बातें करें जो हम उन्हें कहना चाहते हैं। आजकल जैसे वायरस का प्रकोप चल रहा है, हम उन्हें सुंदर संदेश दें, तुम्हें निर्भय रहना है, तुम्हें इस पर विजयी बनना है, तुम्हारी शक्तियों के आगे ये वायरस की शक्ति बहुत छोटी है, तुम अपने संकल्प के बल से इसे नष्ट कर सकते हो, अपने को पहचानो, तुम्हें निर्भय रहना है, तुम्हारे साथ परमात्म शक्ति है, भगवान स्वयं तुम्हें साथ दे रहा है। हम ये वाइब्रेशंस फैलाएंगे सवेरे के समय, जब सारा संसार सोया है, तब हमारे ये इन्हें सुपर कॉन्शियस कहेंगे, हायर कॉन्शियसनेस से भी ऊपर के ये संकल्प हैं। तो ये तरंगे फैल जाएंगी चारों ओर, और अनेक लोग जो उस समय सोए हुए हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड इन सुंदर वाइब्रेशंस को रिसीव करने लगेगा। हम खड़े हो जाएं, छत पर चले जाएं, कोई पहाड़ी है आपके पास उस पर आप पहुंच जाएं, अन्यथा छत तो है ही, छत ना हो तो कहीं भी आप बैठ जाएं और संसार की सभी आत्माओं को चारों ओर देखें और उन्हें ईश्वरीय संदेश दें। जैसे हम प्रदर्शनी मेलों में चित्रों पर दूसरों को ज्ञान देते हैं, उन्हें संदेश देते हैं, हम माइंड टू माइंड सवेरे सभी आत्माओं को संदेश दें, उनसे बात करें, तुम सभी देव कुल की महान आत्माएं हो, तुम्हारे अंदर देवत्व समाया हुआ है, तुम्हारे अंदर संपूर्ण प्योरिटी है, तुमसे मिलने के लिए स्वयं भगवान आ गए हैं, वो तुम्हारे अंदर के देवत्व को जगा रहे हैं, वो तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, वे ही ज्ञान के सागर हैं, सृष्टि के बीज हैं, तुमने जन्म जन्म भक्ति की थी, उसे बुलाया था और कहा था जब तुम आओगे हम तुम्हारी ही श्रीमत पर चलेंगे, अब वे आ गए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं,
तुम भी आ जाओ, आओ उससे अपना अधिकार ले लो, आओ उससे राजयोग सीख कर अपने जीवन को सुख शांति का भंडार बना लो। हे आत्माओं, हे देवकुल की आत्माओं, तुम्हारा परम पिता तुम्हें बुला रहा है। तुमने जन्म जन्म उसे बुलाया है, अब वो तुम्हें बुला रहा है, उसके पास आ जाओ और एक विजन देखें कि संसार की अनेक आत्माएं खींची चली आ रही हैं हमारी ओर, बाबा की ओर। बाबा की लाइट उन सब पर पड़ रही है, बीच में मां ज्योति है, उसकी किरणें उन सभी आत्माओं पर पड़ रही हैं, वो खींच कर चली आ रही हैं। ये विधि है, किसी पर्सनली किसी एक व्यक्ति को भी ज्ञान में लाने की। आप समझते हैं इस व्यक्ति को ज्ञान में लाना आवश्यक है। अगर उसके अंदर निगेटिविटी है, अगर उसके अंदर नास्तिकता है, अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी है, पाप कर्म बहुत हैं, तो पहले उसकी अंतरात्मा को जगाओ। तुम पुण्य आत्मा हो, तुम पवित्र हो, सवेरे उठकर, क्योंकि सब आत्माएं मूल रूप में पवित्र हैं, उन्हें हमें जागृत करना है, उन्हें जगाओ और फिर इसी तरह उन्हें ज्ञान दो, संदेश दो, तो उनका अंतर्मन भी इस ज्ञान को स्वीकार करेगा, क्योंकि वो देव कुल की आत्माएं हैं। पहले पहले आपको ये अफर्मेशन उनको अवश्य देनी है, तुम बहुत महान हो, तुम देव कुल की महान आत्मा हो, तुम पवित्र हो, तुमने जन्म जन्म भगवान को बहुत प्यार किया है, वो तुम्हारे प्यार का रिटर्न देने के लिए आ गया है। ये एक बहुत सुंदर तरीका है, आप घर बैठे अपनी सेवाओं को बढ़ा सकते हैं। अब जबकि आपको समय मिला है कोरोना वायरस के कारण, बहुत सुंदर समय आपके हाथ में है, तो रोज सवेरे जल्दी उठकर ये विश्व की सेवा आप करते रहें और इसी तरह आप विश्व की आत्माओं को शांति का दान भी दे सकते हैं, प्योरिटी का दान भी दे सकते हैं और कुछ सुंदर विचार भी दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कोरोना वायरस से कई लोग भयभीत रहते हैं, कहीं ये हमें न हो जाए, और कई लोग बहुत अलबेले भी रहते हैं। दोनों को हमें जगाना है। अलबेला होना भी ठीक नहीं, अलबेला माना केयरलेस होना, कि परवाह ही न करना, जब होगा देखा जाएगा। हम जो भी सिद्धांत बताए जा रहे हैं सरकार की ओर से, मेडिकल वालों की ओर से, उनका भी बहुत ही केयरफुल्ली पालन करें और अपने को निर्भय भी रखें, अपने चारों ओर एक पावरफुल ऑरा भी क्रिएट करके रखें, तो हमारी ये विश्व की बहुत अच्छी सेवा हो जाएगी। तो अब आप देख लें, आपको किसी एक व्यक्ति को भी ज्ञान में लाना है जो थोड़ा विरोधी भी हो, 21 दिन तक उसे इस तरह ज्ञान देंगे। 7 दिन में ही बहुत अच्छा इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपका मन उस आत्मा के लिए कल्याण की भावना से भरा हुआ हो, आपका मन भी एकाग्र हो, बहुत अच्छा। आप जब ये महान सेवा करना चाहते हैं तो आपको निगेटिविटी से मुक्त रहना है, आपको व्यर्थ संकल्पों पर लगाम लगानी है और बहुत अच्छे स्वमान के अभ्यास करने हैं। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ी ताकत रहेगी और आपका जैसे सीधा तीर लगेगा उनको, आपके संकल्प उनको पूरी तरह से अफेक्ट करेंगे और उनके अपने संकल्प समाप्त होकर वो बाबा के समीप आएंगे, अपने परम पिता को पहचानेंगे, उनका जीवन सुखों से भरेगा, उनके जीवन में शांति आ जाएगी, वो जीवन की यात्रा को सुखद बना लेंगे। तो इस तरह आप अनेक परिवारों में सुख शांति प्रेम खुशी का संचार करें और सबके गुड फ्रेंड बन जाएं। ओम शांति।